हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे प्यार भरा स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से सर्दियों में आपको अपने बच्चे की केयर करना है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में बच्चों का खास ख्याल रखना होता है। ठंडी हवाएं नाजुक बच्चों को तुरंत बीमार कर देती है। सर्दी, खांसी और बुखार होना तो आम बात है, लेकिन अगर हम छोटी मोटी बातों का ख्याल रखें तो अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जो आपके शिशु को सर्दियों में भी स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या टिप्स है। फर्स्ट टिप्स है फ्रेंड, सर्दियों में बच्चों को मालिश करने के लिए 50 ग्राम सरसों के तेल में 6 दाना लहसुन, थोड़ा सा प्याज छिलके समेत ही कूच के डाल दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा अजवाइन और आधा चम्मच मेथी दाना डाल करके तेल को हल्के आंच पे फेन आने तक गर्म करिए। जब ये हल्का गर्म रहे तो इस तेल से अपने बच्चे की मालिश करिए। आपको दोस्तों ये बात का ख्याल रखना है कि इस तेल से आप अपने बच्चे का सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही मसाज करें। अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी है तो थोड़ा सा तेल आप हाथ पैर के नाखून पे लगा दीजिए, थोड़ा सा उसकी छाती पे और पीठ पे लगा दीजिए। आप देखेंगे कि इससे आपके बच्चे को बहुत फायदा पहुंचा है। हमारा सेकंड टिप्स है, बच्चों की स्किन अगर ड्राई हो गई हो तो उनकी मालिश के लिए आप जैतून के तेल का इस्तेमाल करिए। थर्ड टिप्स है, मालिश के कुछ देर बाद बच्चे को नहलाना चाहिए। अगर मौसम ज़्यादा ठंडा है या बच्चे को बुखार है तो उन्हें मत नहलाइए। बच्चे को गर्म पानी में टॉवेल डुबा के और उसे अच्छे से निचोड़ लीजिए। अब इस टॉवेल से अपने बच्चे की आप बॉडी को पोछिए। फोर्थ टिप्स है, बच्चे को नहलाने के बाद में गर्म और आरामदेह कपड़े पहनाएं। टोपी, दस्ताने, मोजे पहना के बच्चों को रखें। फिफ्थ टिप्स है, बच्चे को कभी भी सीधे गर्म कपड़ा आपको नहीं पहनाना है। पहले कॉटन के कपड़े पहनाएं, फिर गर्म कपड़े पहनाएं। सिक्स टिप्स है, बच्चे के साफ सफाई का खास ख्याल रखें। बच्चे को दूध पिलाने से पहले या बच्चे के संपर्क में आने से पहले हाथों को धो लीजिए। यहाँ तक कि बच्चे के हाथ भी आप साफ रखें, क्योंकि बच्चे बार बार मुंह में अपना हाथ डालते हैं जिससे उनको इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। हमारा सेवन टिप्स है, बच्चे को जायफल घिस के माँ के दूध के साथ में मिला के खिलाएं। एट टिप्स है, बच्चे को अगर सांस फेंकता हो तो 3-4 साल पुरानी घी उसके छाती पे लगाने से आपको बहुत आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ टिप्स। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय।